अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी वेज, आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वेज, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लूना वॉलेट से रिलेटेड रिव्यू स्टार्ट किया हुआ है और आज इस वीडियो में लूना से रिलेटेड ही बात करूँ और आपको बताऊँगा कि लूना वॉलेट में अगर आपने मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने हो तो वो कैसे करने हैं। बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इस वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। एंड इफ़ यू नीड टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन उर्दू लैंग्वेज देन यू कैन ज्वाइन माई अदर चैनल क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो को। ओके, उर्दू में अपने इसी चैनल पर रहना। अब हम सबसे पहले जो है अपना वॉलेट जो है वो टेरा लूना का, उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टेरा लूना का एक्सटेंशन हमारे पास पहले से डाउनलोड, ये आपके सामने आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंड की ऑप्शन, हम एक्सपेंड कर लेते हैं और मैं आपको 3 से 4 अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा एक ही डिवाइस पे रहते हुए। अगर एक ही लैपटॉप है उसमें आप 4, 5, 6, 10 अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो उनका तरीक़ाकार कैसे है, कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम पहला अकाउंट क्रिएट करते हैं, न्यू अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अकाउंट लिख देते हैं, अकाउंट नंबर 1। ठीक है, ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि आप डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी अकाउंट का नाम रखें। तो मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया, उसके बाद पासवर्ड दे दिया और मैंने फिर जो है कंफर्म पासवर्ड दे दिया। उसके बाद ये फ्रेसेस, ये मेन चीज़ आपने जो सेव करनी है, इसको हम कॉपी करते हैं और एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है अकाउंट नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। हमने फ्रेशेज सेव करनी है, सेव करने से पहले आपने एक दफ़ा चेक लाजमी कर लेना है। आई एग्री पे क्लिक कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब इसको हमने वेरीफाई किया, हमने करना है कि हमने फ्रेशेज सही ठीक भी सेव किए हैं या नहीं। 21 नंबर फ्रेशेज कौन सा हमारा, 21 नंबर हमारा इंगेज, हम यहाँ पर इंगेज को सिलेक्ट कर देते हैं। 6 नंबर वर्ड पे आता है, 6 नंबर पे हम यहाँ से देख लेते हैं, रिमेन आ गई, ये रहा। आपने ये सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इजीली इसको सबमिट पे जाके क्लिक कर देना और कनेक्ट कर देना। जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपका एक वॉलेट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखें, ये वॉलेट नंबर 1 आ गया है। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, ये अकाउंट नंबर जो है 1 नंबर, वॉलेट नंबर 1 है, हम यहाँ से जाके क्लिक करेंगे। ये आपके पास मैनेज वॉलेट की ऑप्शन आ रही है, इसको हम लॉक कर देते हैं। यहाँ पे लॉक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पे न्यू वॉलेट आ रहा है। हम न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर अकाउंट की ऑप्शन आ गई है, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर 2 कर देते हैं, अकाउंट नंबर 2। पासवर्ड इंटर करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड हमने इंटर कर दिया। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना, और आप ये आप चाहें तो हर अकाउंट का अलग अलग से भी पासवर्ड रख सकते हैं। इसके फ्रेशेज हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे नोटपैड की फाइल के ऊपर अकाउंट नंबर 2 कर देता हूँ, करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास फ्रेशेज आ गए, हमने इसको आई हैव पे क्लिक किया और ये सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब हमें 9th नंबर जो है वेरीफाई करना है। 9th नंबर जो हमारा फ्रेशेज है वो हमने वेरीफाई करना है। 9th नंबर कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हॉर्न, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर 22 नंबर फ्रेशेज कौन सा मेरा, 22 नंबर हमारे पास जो है वो डिनर है, आई थिंक डिनर है, डिनर नहीं है, 22 नंबर आगे पेयर है, सेलेक्ट किया और सबमिट पे क्लिक कर दी, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखें, हमने 2 वॉलेट क्रिएट कर लिए। यहाँ पे देखें अकाउंट नंबर 2, ये 2 आ गए। यहाँ पे आप जाएंगे, इसको लॉग आउट करेंगे तो
तो आपके पास दोनों अकाउंट शो हो गए हैं। हम एक लास्ट अकाउंट भी साथ क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मल्टीपल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू पे जाना है और अकाउंट नंबर 3 पे क्लिक किया, बस पासवर्ड इंटर करना है यहाँ पे आपने, और नीचे जाके फिर पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने फ्रेसिस को दोबारा कॉपी करना है, जैसे मैंने फ्रेसिस पहले कॉपी किए थे। कॉपी करने के बाद नोटपैड की फाइल दोबारा ओपन करनी है और यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर 3 कर देना है, अकाउंट नंबर 3, और यहाँ पे पेस्ट कर देने फ्रेसिस उसी तरह जिस तरह आपने पहले किए हैं। इन चीज़ों का खास ख्याल करना, जब भी आपने फ्रेसिस सेव करना है एक दफ़ा आपने क्रॉस चेक लाजमी कर देना है। हमने यहाँ से जाके इसको सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें हमसे 14 नंबर वॉलेट का पूछना है, तो 14 नंबर वॉलेट कौन सा है इसमें, 14 सॉरी फ्रेसिस कौन सा है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंगल ये रहा। उसके बाद है 7 नंबर पे कौन सा वर्ड है, तो 7 नंबर पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 सतोषी, सतोषी। ये आपने कतई तौर पे भी अपने पर्सनल यूज़ में नहीं लाने इन फ्रेसिस को, क्योंकि अगर आप इन फ्रेसिस को अपने पर्सनल यूज़ पे लाए तो आपका फ़ंड चोरी या लॉस हो सकता है। मैं सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाता हूँ, सिर्फ उसी के लिए अकाउंट क्रिएट करता हूँ और बाद में रिमूव भी कर देता हूँ, और आपका वीडियो देख के फ्रेसिस को यूज़ करें तो ये आपकी गलती होगी, आपने कतई तौर पर इसको यूज़ नहीं करना। ओके, क्योंकि जो जो यूज़र इस वीडियो को देखेंगे उनके पास ये फ्रेसिस होंगे तो आपका फ़ंड चोरी या लॉस हो सकता है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। हमने सबमिट पर क्लिक किया और कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारा वॉलेट नंबर 3 आ गया। अभी आपने देखें व्यूअर्स, मैंने आपके सामने 3 अकाउंट क्रिएट किए और तीनों अकाउंट हमारे पास आ रहे हैं, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2 और अकाउंट नंबर 3, 1 2 3। ये 3 अकाउंट है, जो भी आपने अकाउंट यूज़ करना होगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाके आपने सिंपल पासवर्ड इंटर करना है, जैसे मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, और अपने सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आपको समझ आ चुकी हो कि मल्टीपल अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं और इनको यूज़ करने का तरीका, अकाउंट नंबर 1, 2 या 3 यूज़ करना कैसे भी करना है, ये आपको मालूम हो चुका है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को स्टॉप करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेस्ट क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फेस होती है डिपॉजिट विड्रॉल में तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे इस ईमेल एड्रेस पे, investcryptocurrencywallets@gmail.com पे। एंड इफ़ यू नीड टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन ज्वाइन माय अदर चैनल क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो। सो व्यूअर्स, मिलते हैं अपनी कल की एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।